नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद देना चाहूंगी, बहुत सारा थैंक यू कहना चाहूंगी, क्योंकि आप लोगों के जब कमेंट्स आते हैं, पॉजिटिव कमेंट्स देखकर बहुत अच्छा लगता है। मेरे मनोकामना पूर्ति से रिलेटेड जो वीडियोज मैंने आपके साथ में शेयर किए हैं, आपके लिए हेल्पफुल रहे, आपकी मनोकामनाएं पूरी हो रही है, आप बहुत ही अच्छा फील कर रहे हैं। ये सारे कॉमेंट्स जो मुझे आते हैं बहुत अच्छा लगता है। और जो लोग इस चैनल पर अभी नए हैं, उन लोगों के लिए भी मैं बता दूं, आपको आई बटन पर जो लिंक्स मिलेंगे आगे वीडियो में, ये सारे वीडियोस मनोकामना से रिलेटेड हैं। अगर आप अपनी किसी इच्छा को पूरी करना चाहते हैं तो कईयों को इन वीडियोस से लाभ हुआ है। इनके कॉमेंट सेक्शन में आप देख सकते हैं कितने लोगों की कठिन से कठिन मनोकामना पूरी हुई है। दोस्तों आज के वीडियो में भी मैं आप लोगों के साथ में एक और टोटका शेयर करने वाली हूँ, जिसको करके आप अपनी किसी भी मनोकामना को आसानी से पूरी कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको सबको धन्यवाद देने के बाद में आज का जो वीडियो है ये बहुत ही ज्यादा असरदार है, आज का जो टोटका है ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए आपके साथ में टोटका शेयर करती हूँ। पूरा सुनिएगा इस वीडियो को, पूरा ध्यान से समझिएगा। बहुत ही आसान सा टोटका है, इसमें आपको सिर्फ एक काला धागा लेकर अपनी मनोकामना को पूरी करना है। कैसे काले धागे का उपयोग करना है, किस तरह से, क्या पूरी प्रोसेस रहेगी, चलिए आपको बताती हूँ। मगर उससे पहले मैं भी आपसे एक निवेदन करूंगी, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में जो बेल आइकॉन है उसे भी हिट कर लीजिए। तो चलिए वीडियो पर मूव ऑन करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर ये जो टोटका मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ ये आपको मंगलवार को या फिर शनिवार को करना है। जैसे कि आज है मंगलवार, मंगलवार के दिन ये वीडियो रिलीज होगा, ठीक है, तो मंगलवार के दिन आप इसे कर सकते हैं, आप इसे शनिवार को भी कर सकते हैं। इस टोटके को आपको सिर्फ एक बार करना है, ठीक है, एक बार करके और फिर भूल जाना है, ठीक है, कि कभी भी आप कर सकते हैं, बस दिन आपको याद रखना है मंगलवार या शनिवार को करना है। सवेरे कर सकते हैं, दिन में, शाम को, कभी भी आप इस टोटके को कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको एक काला धागा ले लेना है। काला धागे से इन द सेंस यहाँ पर यह है कि जो काला वो डोरा होता है जिसे गले में बांधा जाता है, ये जैसे हाथों वगैरह में पहना जाता है, ये इस तरह का जो काला धागा होता है, इस तरह का धागा आपको ले लेना है, ठीक है। कितना लेना है कि जितना अच्छा थोड़ा लंबा आप ले ले, ताकि आपके गले में या फिर जहां पर भी आप उसे बांध सके, इतना लंबा आपको धागा ले लेना है। अब आपको क्या करना है, इस काले धागे को लेकर आपको बालाजी के मंदिर में जाना है। आपके घर के आसपास, आपके शहर में, आपके गांव में, जहां भी बालाजी का स्थान हो, बालाजी का मंदिर हो, हनुमान जी का, ठीक है, यहाँ पर बालाजी को कई लोग बालाजी नाम से नहीं जान पाते, तो हनुमान जी के मंदिर जाना है काला धागा लेकर, ठीक है। अब आपको वहां पर मंदिर में जाने के बाद में, भगवान को नमन करने के बाद में, वहां पर बालाजी के सामने, मूर्ति के सामने आपको बैठ जाना है। बैठने के बाद में आपको मन ही मन में पहले बालाजी का स्मरण करना है, ओम हम हनुमंते नमः, इस मंत्र को कम से कम 108 बार जाप करना है। आप इसकी पूरी माला करें, अगर आपके पास में माला नहीं है तो आप हाथों से गिनती करके भी, लाइट्स की प्रॉब्लम है तो आप हाथों से गिनती करके भी इसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आप 108 बार ओम हन हनुमंते नमः इस तरह का जाप कर लें, इस मंत्र का जाप कर लें। और जाप करने के बाद में आपको क्या करना है, आप आँख बंद करके जाप करेंगे, ठीक है, फिर आँखें खोल के आपको ये जो धागा है, ठीक है, इस धागे में आपको पूरी 11 गठान बांधनी है, ठीक है, 11 गठान बांधनी है। दूरी दूरी पर, एक एक इंच की दूरी पर आप 11 गठान बांधे, ठीक है, एक एक इंच की दूरी पर बांधे, या फिर आपको जैसा लगे, आप चाहे तो पूरी 11 गठान पास पास में भी बांध सकते हैं, ठीक है। इस तरह से 11 गठान बांधे और एक एक गठान बांधते जाए और अपनी मनोकामना कहते जाए। एक बार गठान बांधे और अपनी मनोकामना कहें, एक फिर एक और गठान बांधे, फिर अपनी मनोकामना कहें, फिर और गठान बांधे और फिर मनोकामना कहें, ठीक है। मनोकामना किस तरह से कहना है, मान लीजिए आप किसी से प्यार करते हैं, आप उससे शादी करना चाहते हैं, तो आपको कहना है, हे भगवान, मैं ये जो गठान बांध रहा हूँ, ये अपने प्यार को, जो भी आपके साथी का नाम है उसका नाम लेना है, इसको पाने के लिए बांध रहा हूँ, हमारे प्यार में ये समस्या आ रही है, इसे आप जल्द से जल्द दूर कर दें, आप हमारी शादी जल्द से जल्द करवा दें और गठान बांध दें, ठीक है। दूसरी गठान भी इस तरह से कह के बांध देनी है, तीसरी गठान, मतलब अपनी जो मनोकामना है उसे आपको कहते जाना है, गठान लगाते जाना है,
ऐसा पूरा 11 बार करना है। अगर ठान लग जाए तो जो बालाजी का लेफ्ट लेग होता है, ठीक है, उल्टा पैर, ठीक है, बायां पैर, वहां से आपको सिंदूर लेना है, ठीक है। वहां से आपको अपनी उंगली में, आप वहां पर थोड़ा सा रब करेंगे उंगली को तो सिंदूर निकल आएगा आपकी उंगली में, और इस सिंदूर को आपको उस काले धागे पर लगा लेना है, ठीक है। काले धागे पर आप अच्छे से लगा लें, हो सके तो जो पूरी 11 गठाने बांधी है आपने उन 11 गठानों पर उस सिंदूर को लगा लें, और बस ऐसा करने के बाद में आप उसे धारण कर लें। धारण करने से सेंस है यहाँ पर कि आप उसे या तो गले में पहन लें, आप उसे हाथों में पहन सकते हैं, आप उस धागे को अपने बाजू पर बांध सकते हैं, आप जहाँ पर कंफर्टेबल हैं उसे बांध लें। ध्यान रखें, पैर में नहीं बांधना है, गले में, हाथ में, बाजू पर बांध सकते हैं, आप चाहें तो उसे कमर पर भी बांध सकते हैं। इस तरह से उसे बांध लें, और बांधने के बाद में भगवान को नमन करके, भगवान पर पूरी आस्था रखकर, पूरा विश्वास रखकर घर लौट आए। अब बस आपको क्या करना है कि जो आप मनोकामना है उसको पूरा करने के लिए जो कर्म है, जो काम है, वो आपको करना है। आप खुद देखेंगे आपको उसमें सफलता मिलती जाएगी, आपके कोई भी अड़चने जो जो आ रही है वो धीरे धीरे दूर होती जाएगी। बहुत ही चमत्कारी टोटका है, बहुत ही चमत्कारी उपाय है, आप कीजिएगा ज़रूर, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। करते समय बस एक चीज़ का ध्यान रखें, भगवान पर अगर विश्वास रख रहे हैं, भगवान का नाम लेकर अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसमें कोई भी आशंका ना रखें, भगवान पर कोई भी शंका ना रखें, आप खुद देखेंगे आपका काम हो जाएगा, बस पूरा विश्वास रखें। आप कहते हैं ना कि वो सोप दिया जीवन का हर बाहर तुम्हारे हाथों में, बस इस तरह से आपको करना है, भगवान को बस पूरा समर्पित कर देना है। आप कीजिए ज़रूर, और फिर जो रिजल्ट मिलता है मेरे साथ में शेयर जरूर कीजिए। उम्मीद करती हूँ ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मिलूँगी आपसे नई किसी जानकारी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, बाय बाय।